हमारा अगला टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.NH2 होता है। चलिए इसका हम सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन आपको डायरेक्ट जानना है और यूजेस जानना है। यूजेस मैंने लिखा है, इसको समझा दूंगा। प्रिपरेशन में क्या है, तो हम जानते हैं कि जो वॉशिंग सोडा बनता है एक्चुअली ये बेकिंग सोडा से ही बनता है। तो वहां से हम देखते हैं, हमने देखा था NaCl+H2O+CO2+NH3 जब आपस में मिला था तो ये बना था NH4Cl, है ना, ये बना था। और साथ में क्या बना था, NaHCO3, है ना, NaHCO3 यही बना था ना। फिर हमने देखा था NaHCO3 जो था, NaHCO3 इसको जब हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है Na2CO3+H2O+CO2। हमने ये देखा था, है ना, ये ऊपर का है ना, ये बना था। फिर हमने देखा था इसको हीट करने पे ये बना था। और फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फिर ये बनेगा Na2CO3+10 वाटर मॉलिक्यूल। हम जब देंगे इसको तो ये हमें देगा Na2CO3 डॉट, ये डॉट है 10H2, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, वॉशिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं, इसका हम केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मैंने लिख दिया। सबसे पहले वो, अगर आपको बेकिंग सोडा लर्न है उसी को फॉलो करना। बेकिंग सोडा के हेल्प से पहले ये दिखाओगे NaHCO3 बनेगा, फिर उसको हीट करने पे Na2CO3 वाटर कार्बन डाइक्स, फिर Na2CO3 को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमें देगा वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट, 10 यहाँ पे गिवन, 10H2 डेकाहाइड्रेट। अब यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 क्या है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर के क्रिस्टल्स 10 हैं जो इसके इस सॉल्ट के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, जो वॉशिंग सोडा का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपरेशन लर्न करना है, ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूजेस देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें बताऊंगा मैं। यूजेस में क्या है, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। याद करना है, सिंपली थ्योरी है, ग्लास में और सोप में और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स एक क्या है, एक सोडियम कंपाउंड है। क्या ये सोडियम कंपाउंड, इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना, बस बोरेक्स का नाम याद कर लो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तीसरा है, इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, है ना, साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है घरों में, डोमेस्टिक पर्पज मतलब घरों में यूज होता है। और फोर्थ वन इज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, ये क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है। तो हमने हार्डनेस से रिलेटेड तीन चीज, मतलब वाटर से रिलेटेड तीन चीजें देखी। एक तो क्लोरीन था, क्लोरीन क्या करता है, वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, डिसइंफेक्टिंग का काम करता है, ठीक है। फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर वाटर में जर्म्स को मारता है ना, इट किल द जर्म्स वाटर के अंदर। और ये क्या करता है, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है। ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इन पे फोकस करना, इससे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रखा है इन्हीं टॉपिक से, कौन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर दूर करता है। तो बच्चे इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर कई बार लिख देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जर्म्स को किल करता है और जो वॉशिंग सोडा है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है, ठीक है। तो ये आप याद करना है आपको, कई बार क्वेश्चन इसका उल्टा भी पूछा जाता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यूजेस अगर आपने लिख लिया पॉज करके लिख लेना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे, दैट इज कि अगर इसको हीट किया जाए, Na
2CO3.10S2O4। अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम हीट करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएंगे, Na2CO3+10S2O बन जाएंगे, यही होगा। ठीक है, यही होता है। जैसे हम हीट आर्टिफिशियली हम हीट करते हैं तो ये फिर वाटर और क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर नॉर्मली एटमोस्फेरिक प्रेशर पे इसको ये अपने आप ही हीट होता है तो क्या होता है, हीट करने पे, नॉर्मल हीट करने पे यहाँ पे Na2CO3.H2O रह जाता है और साथ में 9H2O रिमूव होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम खुद करते हैं, हीट देके इसको अलग करते हैं और ये अपने आप होता है। हीट के प्रेजेंस में इसको रखेंगे तो अपने आप अगर हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे, तो ये इसमें हम देखते हैं एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ रह जाता है और 9 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की जो संभावना है थोड़ा कम है, क्योंकि NCERT में ये गिवन नहीं है तो नहीं आ सकता है। लेकिन आप माइंड में रख लो कि अगर हीट करेंगे, डायरेक्टली हम करेंगे तो पूरा वाटर हट जाएगा और अपने आप होगा तो एक मॉलिक्यूल रह जाएगा, 9 निकल जाएगा वाटर का। ठीक है, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। तो ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया। इसके साथ साथ चलिए आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताता हूँ, इसको नोट कर लेना पॉज करके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये जानना जरूरी है आपको। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, लिख देते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये पूरा एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में क्या होगा, तो अभी हमने किया यहाँ पे एग्जाम्पल में Na2CO3.10S2O। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऐसे ही हम देख लेते हैं कॉपर का CuSO4.5S2O। ठीक है, ये होगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन। FeSO4.7S2O ये ग्रीन विट्रियोल है आयरन सल्फेट का, देख रहे हो। ऐसे ही आप बहुत सारे हैं जो ये वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट है, ये वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट है और इसके साथ ये वाटर जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे करके CaSO4 ले लो, CaSO4.2S2O ये जिप्सम हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आप लर्न कर लीजिए, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डायरेक्ट पूछा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है 5S2O। ठीक है, ये होता है, बोला जाता है जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, CuSO4+5H2O हो जाएगा, यही होगा ना। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल को जब हीट किया जाए, सॉल्ट को जब हीट किया जाता है तो वाटर अपने आप अलग हो जाता है। ठीक है, जो भी रहता है प्लस में हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे .5H2O था हीट किया तो क्या हो गया, ये अलग हो गया, प्लस में आ गया, है ना। तो ये पहले ब्लू होता है, ये क्या होता है आपका, अगर देखा जाए तो जो कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू इन कलर होता है, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। ठीक है, और जब फिर इसको मिलाया जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट को हीट करने पे क्या होता है, वाइट हो जाता है, वाइट पाउडर बन जाता है, फिर उसमें पानी मिलाओ तो फिर ये ब्लू कलर का वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कॉपर सल्फेट यहाँ पे पेंटाहाइड्रेट बन जाता है। इसको 5 को पेंटा बोलते हैं, तो पेंटाहाइड्रेट हो गया, तो ये ब्लू कलर का होता है। तो ये अगर पानी मिलाओगे तो ब्लू हो जाएगा, फिर नहीं अगर हटाओगे हीट करके तो ये डिसअपीयर वाइट हो जाएगा, डिसअपीयर होके मतलब पानी हट के वाइट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में जरूर रखना है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं NCERT में।
सो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसको हम पीओपी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है CSO4.HF2O। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका हेमीहाइड्रेट इसलिए क्योंकि जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो हाफ है, हाफ को यहाँ पे हेमी बोला जा रहा है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका प्रिपरेशन है CSO4, मतलब जिप्सम है ये, CSO4.2H2O हम जिप्सम बोलते हैं। जब इसको हम 100 डिग्री पे हीट करते हैं, दैट इज 373 केल्विन पे, तो ये हमें देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज पीओपी देता है। ठीक है, और साथ में 1.5H2O भी देता है। तो ये प्रिपरेशन हो गया किसका, पीओपी का। लेकिन अगर ये जो पीओपी है इसमें फिर ये वाटर मिला दिया जाए, वापस ये जिप्सम बना सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन में रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पीओपी को क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ मिलके क्या बना सकता है, एक हार्ड सॉलिड मास जिसको जिप्सम कहते हैं वो बना सकता है। ठीक है, ओके, डन, समझ में आ गया है। ये इसको जरूर कर लेना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस में क्या है, ये एक प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग, ये मतलब फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करता है उसको राइट पोजिशन पे करके। अगर किसी की हड्डियां टूट चुकी हैं तो आपको पता है प्लास्टर करनी पड़ती है, करने से वो क्या होता है उसको राइट पोजिशन पे फिक्स करता है। तो उसके उस पर्पज के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर के लिए। दूसरा है टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। तीसरा है आपको ये है मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, मतलब हम वो मटेरियल भी पीओपी से बनाते हैं जो डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज होता है। उसके बाद है आपका थर्ड है मेकिंग सरफेस स्मूथ, मतलब सरफेस को स्मूथ बनाता है, और फॉर मेकिंग आइडल्स जो मूर्तियां होती है उसको बनाने के काम में भी आता है। तो दैट्स इट, ये हमारा पीओपी कंप्लीट हो गया, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने कंप्लीट कर लिया। इसके कंप्लीट होने से ही हमारा सेकेंड चैप्टर भी डी एंड हो रहा है। हमने सेकेंड चैप्टर एक एक टॉपिक ठीक से कंप्लीट कर लिया। आप एक्सरसाइज में जाइए, सारे क्वेश्चन को कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड चैप्टर की तरफ, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके।